इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बलिस्टो 1MF टैबलेट PR एंटी डायबिटिक ड्रग्स के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेणी से संबंधित है। यह दो दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है जिसका उपयोग वयस्कों में टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस के इलाज के लिए किया जाता है। यह डायबिटीज के लोगों में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। बलिस्टो 1MF टैबलेट PR को भोजन के साथ लेना चाहिए। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर लें। आपका डॉक्टर यह निर्णय लेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर बदल सकती है, इस अनुसार कि यह आपके खून में शुगर के स्तर के अनुसार कैसे काम कर रही है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या आपके ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित है तो भी इस दवा का सेवन करते रहें। अगर आप इसे डॉक्टर से परामर्श किए बिना लेना बंद करते हैं तो आपके ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है और आपको किडनी का नुकसान, अंधापन, नसों से संबंधित समस्याएं और अंगों को खोने का जोखिम रहता है। याद रखें कि यह दवा इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम भी शामिल होना चाहिए। आपकी जीवनशैली डायबिटीज को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। बलिस्टो 1MF टैबलेट PR का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट ब्लड ग्लूकोज स्तर में गिरावट यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया है। सुनिश्चित करें कि आप लो ब्लड ग्लूकोज लेवल के लक्षणों जैसे कि पसीना आना, चक्कर आना, सिरदर्द और कपकपी को पहचानते हैं और इससे निपटना जानते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमेशा नियमित रूप से भोजन करना और ग्लूकोज का तेजी से काम करने वाला स्रोत जैसे कि शुगर वाले खाद्य पदार्थ या फलों का जूस अपने साथ रखना ज़रूरी है। शराब पीने से आपका ब्लड शुगर के स्तर में कमी का जोखिम भी बढ़ सकता है और इसलिए इससे बचना चाहिए। Other side effects that may be seen on taking this medicine include taste changes, nausea, diarrhea, stomach pain, headache, and upper respiratory tract infection. इस दवा से कुछ लोगों का वजन बढ़ सकता है। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको कभी हृदय रोग था तो अपने डॉक्टर को बताएं। यह उपयुक्त नहीं हो सकता है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। आपके ब्लड शुगर लेवल की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए और आपके डॉक्टर आपके ब्लड सेल काउंट और लिवर फंक्शन की निगरानी के लिए ब्लड टेस्ट की सलाह भी दे सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।